अरे दीदी आओ आओ भैया आओ, कैसे हो कालू? ठीक हूँ भैरव। अरे बैठो बैठो, यहाँ बैठो इस टेबल पर। मंगरू ओ मंगरू, कालू भैया के लिए फर्स्ट क्लास थाली लेके आओ। अरे लेकिन सुनो तो। अरे क्या सुनना है, तुम चुप रहो, अभी मैं तुम्हारे लिए सब इंतजाम कर। ये देखो कितनी सारी मिर्चियाँ। अरे ये जमीन तो अपनी है ना? हाँ हाँ ये अपनी ही है। और ये मिर्ची किसने लगाया है? मैंने लगाया है, मिर्ची की खेती मैंने की है। सिर्फ तुम अभी से बाजार में ले जाकर बेच दो और मुझे उसके पैसे दे दो, ताकि मैं अपने हिसाब से गहने राशन जो भी करना चाहूँ वो करूँ। अरे ये तो बहुत अच्छा है बिजली, अभी तो मिर्ची के बहुत दाम हुए है, तुम्हें अच्छी खासी कीमत मिल जाएगी। हाँ हाँ, क्या तुम ही सिर्फ एक व्यापार कर सकते हो? मैं भी कर सकती हूँ। हाँ वही तो देख रहा हूँ, तुमने तो बड़ी अच्छी मिर्ची की फसल उगाई है, मैं अभी इसे बाजार में बेच कर आता हूँ। एक गांव में कालू कौवा अकेला रहा करता था। कालू कौवा के परिवार में कोई भी नहीं था। कालू कौवा खुद ही खाना बनाता और खुद ही खाता था। एक दिन कालू कौवा खिड़की पे बैठा हुआ था और बारिश हो रही थी। कालू कौवा अंदर से सोचता है, अरे ये भी कोई जिंदगी है, अकेले ही पड़ा रहता हूँ, अब तो मन भी नहीं लग रहा है, आज काम पे जाने का भी दिल नहीं कर रहा है, आज चुपचाप सो जाता हूँ, कल देखा जाएगा। अरे मुझे तो बहुत तेज भूख लगी है, जाता हूँ देखता हूँ हंडी में है क्या खाने को, सबसे पहले खाऊंगा, भूख लगी है एकदम से। अरे रे ये तो सारा खत्म हो गया था कल ही, मुझे तो ध्यान ही नहीं हुआ। अच्छा ऐसा करता हूँ, मैं राशन से कुछ नया बना लेता हूँ। अरे इस डब्बे में भी कुछ नहीं है, दूसरा देखता हूँ, अरे इसमें भी कुछ नहीं है, अरे कुछ भी नहीं है, आज तो काम पर जाना ही पड़ेगा, वरना खाने को कुछ नहीं मिलने वाला है। अरे मीनू मौसी कैसी हो? अरे रे रे कल मुहा सुबह सुबह बाजार आया है, कैसा है तू? मैं तो ठीक हूँ। अरे मैं भी ठीक हूँ मौसी, आज थोड़ा काम वाम कुछ है बाजार में तो दिलवा दो मुझे। अरे रे रे यहाँ पर काम कहाँ से मिलेगा, यहाँ लोग अपने सामान बेचने आते हैं और कुछ नहीं, तू चला जा वहाँ पर भैरव के ढाबा में, भैरव के ढाबा में तुझे काम जरूर मिल जाएगा। अच्छा मैं जाता हूँ देखता हूँ वहाँ पर अगर कोई काम मिल जाता है तो। अरे दीदी आओ आओ भैया, कैसे हो कालू? ठीक हूँ भैरव। अरे बैठो बैठो, यहाँ बैठो इस टेबल पर। मंगरू ओ मंगरू, कालू भैया के लिए फर्स्ट क्लास थाली लेके आओ। अरे लेकिन सुनो तो। अरे क्या सुनना है, तुम चुप रहो, अभी मैं तुम्हारे लिए सब इंतजाम करता हूँ। अरे भैरव मेरी बात तो सुनो, अरे खा कर तो देखो भैया, एक बार खाओगे तो बोलोगे कि एकदम भैरव क्या खाना बनाता है, खाओ खाओ मैं कुछ नहीं सुनने वाला। क्या बात है भैया, अरे कैसी है बताओ बताओ,
बहुत बढ़िया खाना है भैया। अरे अरे जरा दही लाओ कालू भैया के लिए। अरे नहीं नहीं भाई, दही की जरूरत नहीं है। अरे लाओ लाओ। अरे वाह। अरे ले आओ, जल्दी से बिल दिखाओ इसे। अरे अरे ये क्या, 700 रुपए? मैंने इतने का खाना खा लिया क्या? अरे हाँ भैया, तुमने तो खा लिया। अरे मैं तो तुम्हारे पास काम मांगने आया था। क्या कह रहे हो? हाँ हाँ मैं काम मांगने आया था, तुमने मुझे जबरदस्ती यहाँ खाना खिलाना शुरू कर दिया। अरे पहले नहीं बोल सकते थे हैं? मेरे 700 रुपए का खाना खा गए, अब क्या काम करोगे? जाओ जाकर बर्तन धो दो, और अभी 15 दिनों तक तुम्हें बर्तन धोना होगा। अरे भाई अब गलती की है मैंने, तो मुझे तो बर्तन धोना ही पड़ेगा ना। मालिक आप उसे बर्तन क्यों धुलवा रहे हो? आपको तो मुखिया बाज ने कहा था ना उसे काम देने के लिए। अरे तू चुप कर, तुझे क्या पता धंधा क्या होता है? आने दे मुखिया बाज को। अरे भाई कैसे हो बेरो? ठीक हूँ मालिक। अरे उसे काम दिया था क्या? हाँ हाँ मालिक, वो देखो उधर बर्तन धो रहा है। अच्छा किया अच्छा किया, बहुत अच्छा लड़का है, अकेला है पर क्या करोगे, बढ़िया लड़का है, इसीलिए मैंने तुझे कहा था उसे काम दे देना। सुनो उसकी तनख्वाह मैं हर महीने तुम्हें दे जाऊंगा, तुम परेशान मत होना, उसे तनख्वाह दे देना। एक बात बताओ मुखिया जी, इतनी मेहरबान क्यों हो उसके ऊपर? अरे तुझे समझ में नहीं आएगा, तू अपने काम से मतलब रख। अरे मालिक अब समझ में आया आपका तिकड़म। अच्छा मुखिया बाज ने आपको तनख्वाह देने की भी बात कही है, और उधर मुफ्त में आप काम कराओगे, मुखिया बाज का तनख्वाह अपने पास रख लोगे। आप तो खूब चालाक हो। अरे बिना चालाकी के धंधा चलता है क्या? कभी कोई धंधा बिना चालाकी के चलते सुना है? बस ऐसे ही दुनिया चलती है और कोई बात नहीं है। अच्छा तो ये बात है, बुलाओ उस कालू को। अरे भाई कालू, तुझे भैरव कितने पैसे देता है? मालिक पैसे तो नहीं देते लेकिन खाना देते हैं। अरे कोई बात नहीं, तू चल मेरे घर में, चल मेरे खेतों में काम करेगा, मैं तुझे सीधा सीधा पैसे भी दूंगा और खाना भी दूंगा। मालिक आप अचानक से यहाँ कैसे आ गए? अरे भैरव तू क्या करता है, मैं जो पैसे देता हूँ तू कालू को नहीं देता, ये तो बहुत गलत है। अरे अरे मालिक, नहीं नहीं मालिक, मैं इसे पूरे पैसे देता हूँ, सोचा था एक साथ दे दूंगा। अरे तू जैसे लड़खड़ा लड़खड़ा कर बोल रहा है, मुझे सब समझ में आ रहा है, तू इसे ना तो पैसे देने वाला है और ना ही इसे काम पर ज्यादा दिनों तक रख पाएगा, मैं इसे लेकर जा रहा हूँ। कालू तू क्या जानता है मैंने तुझे काम पे क्यों रखा? नहीं मालिक मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि तेरा बाप मेरे घर में मजदूर रहा करता था, बहुत ईमानदार था झुमरू। झुमरू ने बचपन में एक बार गोदाम में जब काम कर रहा था तो मैं खेलते खेलते गोदाम में पहुँच गया था। झुमरू और मेरे पिता गोदाम के बाहर रह गए थे, तभी गोदाम में आग लग जाती है,
अरे रे झुमरू, अब मेरा बेटा है अंदर, वो खेलते खेलते गोदाम के अंदर चला गया था। मालिक आप यहीं रहो, मैं अंदर जाता हूँ, मैं उसे बचा कर ले आऊंगा। अरे झुमरू संभाल के। तेरे पिता ने मुझे बचाने के चक्कर में अपनी जान गंवा दी। मेरे पिताजी ने मरते वक्त मुझे कहा था कि मैं हमेशा तुम्हारे परिवार की रक्षा करूं और तुम्हारे परिवार को बचा कर रखूं, और मैं तब से मदद करने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन इस भैरव ने तुझे पैसे नहीं दिए, इसका दुख मुझे हमेशा रहेगा। अरे उन पुरानी बातों को छोड़ दीजिए मालिक, अब उस पे ध्यान देने से कुछ नहीं होगा। हाँ चलो आज से तुम मेरे गोदाम की रखवाली भी करना। धीरे धीरे कालू कौवा को अब वो अपने घर की सारी चीजों की जिम्मेदारी दे देता है। और एक दिन एक कौवी बिजली से उसका ब्याह करा देता है। अब कालू और बिजली साथ रहते थे और बाज मुखिया के घर के सारे काम करते थे, उनके खेत खलियान सारी चीजों का देखभाल करते थे। धीरे धीरे कालू भी अब खुश रहने लगा था और मुखिया बाज भी निश्चिंत रहता था कालू के हाथ में सारी चीजें सौंप। कालू कौवा आंगन में बिजली को पुकारता है। बिजली, अरे ओ बिजली, भूख लगी है, मुझे मछलियों को चारा खिलाने भी जाना है, कुछ खाने को दोगी? अरे सुन भी रही हो? अरे क्या खाओ खाओ कर रहे हो, घर में रहेगा तभी तो दूंगी। हाँ कल बोला था तुम्हें राशन ले लाना, लेकिन तुम राशन लेके आए नहीं। सुबह उठकर कह रहे हो मुझे खाना चाहिए, कहाँ से मिलेगा खाना, बिना राशन का खाना बनता है क्या? अरे बिजली कुछ तो होगा ना, अभी फिलहाल के लिए कुछ दे दो, अब बाद में मैं ले आऊँगा। सुनो कुछ है लेकिन मैं अभी नहीं बनाऊंगी, जब तक तुम लेकर नहीं आओगे अच्छे से राशन। अरे बिजली ऐसा जुलम मत करो, बना दो कुछ भी अभी फिलहाल के लिए, मैं थोड़ा सा नाश्ता कर लूँगा, बाद में ला दूंगा, अभी मुझे जाना है तालाब में मछलियों को खाना देने के लिए। हाँ हाँ तुम्हें तो बस मछलियों की पड़ी है और खुद की पड़ी है, मेरी तो पड़ी ही नहीं है, रूखा सूखा खाना भी लाकर नहीं देते हो। देखो बिजली मैं तुमसे ज्यादा बहस नहीं करूँगा, मैं जा रहा हूँ बाहर खा लूँगा, तुम सोच लो अपना, तुम अगर खाना नहीं बनाओगी तो खाओगी क्या? अच्छा ठीक है मैं भी देख लेती हूँ कौन सा तुम खाना बाहर खा कर आते हो। अच्छा ठीक है मैं भी जाता हूँ। अरे भैरव ये क्या, तू मेरे तालाब में मछलियाँ क्यों पकड़ रहा है? अरे मैं इधर से गुजर रहा था तो सोचा तुम्हारे तालाब से ही मछलियाँ पकड़ लूं, आज मछलियाँ बेचूंगा। सुनो ना तुम इतना नाराज क्यों हो रहे हो, मैं पैसे दे दूंगा तुम्हारे मछलियों का, दो जो भी दाम बचता है वो दाम दे दूंगा। अरे चोरी नहीं कर रहा हूँ भाई। अरे देखो भैरव मैंने तुझे चोर नहीं कहा, लेकिन एक बात बता, ये मेरा तालाब है, तू मुझसे पूछे बगैर इसमें अपना जाल डाल रहा है और टोकरी में मछलियाँ भी पकड़ रखी है, तुझे मुझसे पूछना चाहिए ना। अरे भाई इसमें पूछने वाली क्या बात है, सोचा रोज मैं मछलियाँ बेचता ही हूँ, आज तुम्हारे ही तालाब से ले लूँ, पैसे दे दूंगा जितनी भी मछलियाँ होंगी उसके। अरे मेरी मछलियाँ छोटी छोटी है, मुझे अभी अपनी मछलियाँ नहीं बेचनी है, तुम जितनी मछलियाँ पकड़ चुके हो उसे लेकर यहाँ से निकलो और आइंदा मेरे तालाब में आने की कोशिश नहीं करना। भैरव अगर भविष्य में तुमने ऐसा किया तो बहुत बुरा होगा, याद रखना। अच्छा अच्छा भाई जा रहा हूँ, कितना सुना रहे हो। ए
अरे एक बार मछली क्या पकड़ ली, कैसे बोल रहा है ये। अरे तूने मेरे साथ ऐसा किया है ना कालू, मैं तुझे सबक जरूर सिखाऊंगा। तुझे ऐसा लगता है ना कि तू मछलियों का बहुत बड़ा व्यापारी बन जाएगा, मैं तेरी हालत खराब कर दूंगा। अरे बिजली कहाँ हो, भूख लगी है, खाना दे दो बिजली। जानती थी मैं, कहाँ जाओगे तुम, तुम्हारे जैसा कंजूस बाहर में खाना खाएगा क्या। लो ये लो खाना, और खाना खाओ और जाके राशन भी लाओ, घर में खाना तो कम से कम होना चाहिए ना। अच्छा ठीक है राशन ले आऊँगा, इतना परेशान मत हो। पता नहीं ये मुझे कभी कुछ लाकर नहीं देते, ना मेरी मन की करते हैं, हमेशा से इनको व्यापार में तो घाटा ही लगता रहता है, ऐसे कब तक चलेगा, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। अरे ये जमीन तो खाली ही पड़ी है, मैं यहाँ पर भी कुछ खेती कर सकती हूँ। रे रे कलमू ही क्या हाल है। अरे मौसी का हालत रहेगी वैसी ही है, घर में ठीक से राशन भी नहीं जुट पाता है। अरे रे रे एक तो गरीबी, ऊपर से तेरा कालू तो है एक नंबर का कंजूस, तुझे तो कभी कुछ नहीं मिलने वाला है। हाँ मौसी वो तो मैं जानती हूँ, क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आता, इस गांव में मेरे लायक कोई काम भी तो नहीं है। अरे रे रे काम क्यों नहीं है, ये जमीन तो तेरे घर के पिछवाड़े में ही है, तुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे मिर्च के पौधे लगा दे, ज्यादा पानी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, मिर्च के दाम भी आ जाएंगे। अरे वाह मौसी ये तो तुमने बहुत अच्छी बात बताई, लेकिन मिर्च के छोटे छोटे पौधे तो लाना होगा ना, जैसे मछलियों का चारा होता है वैसे ही तो इनके भी चारा होते होंगे। हाँ हाँ होता है कलमुही, है मेरे पास, लेगी क्या। हाँ मौसी लूंगी। अच्छा ठीक है जब पैसे आए तो मुझे इसके पैसे दे देना। अरे बिजली ये लो, मैं राशन ले आया हूँ, ये रख लो। अरे बड़ा खर्चा हो जाता है खाने पीने में भी, सोचता हूँ कल कुछ मछलियाँ बेच दूँ, देखूँ क्या पैसे आते हैं। अच्छा ठीक है कल मछलियाँ बेच देना, तो दो मछली घर के लिए भी ले आना, मछली भात बना दूंगी। अच्छा ठीक है ले आऊँगा। अरे मेरी मछलियाँ तो कम लग रही है, कोई मेरी मछलियाँ चोरी कर रहा है, कौन है जो मेरी मछलियों को चोरी कर रहा है, मुझे अपनी मछलियों को निगरानी करनी होगी। अरे ये साला तो रात में भी अब पहरेदारी करने लगा, मैं तो इसकी मछलियाँ चुरा नहीं पा रहा हूँ, आह छोड़ देता हूँ, किसी दिन अगर पकड़ा गया तो मेरी अच्छी खासी धुनाई हो जाएगी। अभी चलता हूँ, जब ये भूल जाएगा और पहरा देना बंद करेगा तब इसकी मछलियाँ चोरी करूँगा। अरे बिजली देखो ये लो दो मछलियाँ मैं लेकर आया हूँ। अरे वाह ये तो बहुत अच्छी मछलियाँ हैं। हाँ अरे तुम्हारे हाथों में पैसे देख रही हूँ, लगता है सारी मछलियाँ बिक गई। हाँ मछलियाँ तो बिक गई और अच्छा खासा मुनाफा भी हो गया है, लेकिन अब तालाब खाली हो चुका है। अच्छा मैं सोच रहा हूँ कि पैसों से कुछ चारा ले आता हूँ मछलियों का, और मछलियाँ भी छोटी छोटी लानी होगी, तभी तो मछलियों की बिक्री हो पाएगी। अरे वो तो ठीक है, सुनो ना बहुत दिन हो गए हैं, एक मेरे लिए हार ले आना।
अरे तुम्हारे पास सिर्फ खर्चा ही खर्चा रहता है, तुम्हारे पास गहनों की कमी है क्या जो पीछे पड़ जाती हो? कभी खाना अच्छा अच्छा खाना है, कभी गहने पहनने हैं। अरे थोड़ा कभी मांग लिया तो कैसे करते रहते हो? तुम तो मुझे बिल्कुल कोई भी चीज नहीं देते, जब भी मैं कहती हूँ तुम्हारा रोना लगा हुआ रहता है। अरे बिजली, मुझे ये मनहूस बातें अच्छी नहीं लगती है। इन पैसों का मैं मछलियों का चारा और छोटी मछलियाँ खरीदूंगा, जिससे कि मैं मछलियों की खेती कर सकूं। तुम अगर ऐसे करोगी तो मेरा सब कुछ बर्बाद कर दोगी। हाँ, तुम्हारे गहने के चक्कर में मैं बर्बाद नहीं होने वाला। जाओ जाओ, मैं तो अब कभी तुमसे नहीं मांगूंगी। चले जाओ, जो करना है करो। अरे तुम नाराज क्यों हो रही हो? अरे नाराज नहीं हो रही हूँ, समझ गई मैं तुम्हारी बात और अब नहीं बोलूंगी। इसलिए तुम्हें मेरे साथ बकबक करने की जरूरत नहीं है, चले जाओ। ठीक है, एक बार मेरी मिर्ची की फसल भी तैयार होने दो, मैं उसी से अपने लिए कुछ भी खरीदूंगी, तुमसे मांगूंगी ही नहीं। अरे बाप रे, मिर्ची के क्या दाम हुए हैं? बाजार में दाम सुनकर तो मेरे होश उड़ गए। अच्छा, तुम्हारे होश उड़ गए, चलो मैं तुम्हारा होश एक बार और उड़ाती हूँ। ये देखो कितनी सारी मिर्चियाँ। अरे ये जमीन तो अपनी है ना? हाँ हाँ, ये अपनी ही है। और ये मिर्ची किसने लगाया है? मैंने लगाया है, मिर्ची की खेती मैंने की है। सिर्फ तुम अभी से बाजार में ले जाकर बेच दो और मुझे उसके पैसे दे दो, ताकि मैं अपने हिसाब से गहने राशन जो भी करना चाहूँ वो करूँ। अरे ये तो बहुत अच्छा है बिजली, अभी तो मिर्ची के बहुत दाम हुए है, तुम्हें अच्छी खासी कीमत मिल जाएगी। हाँ हाँ, क्या तुम ही सिर्फ एक व्यापार कर सकते हो? मैं भी कर सकती हूँ। हाँ वही तो देख रहा हूँ, तुमने तो बड़ी अच्छी मिर्ची की फसल उगाई है, मैं अभी इसे बाजार में बेच कर आता हूँ। अरे भाभी माफ कर दो मुझे। अरे क्या हो गया भैरव भैया? अरे मैं ही तुम्हारे तालाब की मछलियाँ चुरा लिया करता था। मैं जानता था तू ही होगा, तू ही ऐसा करता है, इसीलिए तो मैं पहरेदारी करने लगा था। हाँ भाई माफ कर दो मुझे, मुझे भी मिर्ची के बीज दे दो, मैं मिर्ची लगाऊंगा। मिर्ची की खेती करना सिखा दो मुझे, मेरे पास तालाब तो नहीं है लेकिन मिर्ची की खेती तो कर सकता हूँ ना। अच्छा ठीक है। बिजली उसे एक टोकरी में छोटे छोटे मिर्ची के पौधे देती है। भैरव उन पौधों को ले जाता है और अपने खेत में लगाता है। अब भैरव ने भी चोरी चकारी छोड़ दी थी और खेती करने लगा था। कालू और बिजली को देखकर कई सारे जंगल के पंछी सीख चुके थे और वो अब खेती और घर के काम दोनों ही साथ साथ करने लगे थे, जिससे गांव वालों में जल्दी ही खुशहाली आ गई और सब अब खुश रहने लगे।